हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज ही हमारा क्लास 10 या डे 10 ऑफ आवर प्रोफेशनल मेकअप कोर्स एंड आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हथियार्स ऑफ मेकअप। एक मेकअप आर्टिस्ट की जो सबसे बड़ी चीज़ होती है उसके लिए वो होते हैं उसके ब्रशेस। ठीक है, तो आज हम ब्रशेस के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। मैं सब कुछ आपको बताऊँगी ब्रशेस के बारे में। ये वाला जो वीडियो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सही टूल्स नहीं यूज़ करोगे तब तक आपका मेकअप उतना अच्छा नहीं दिखेगा। मेकअप का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेकअप ब्रशेस। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजीली समझाऊंगी मेकअप ब्रशेस के बारे में, कौन से ऐसे ब्रशेस हैं जो प्रोफेशनली यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आज बताऊंगी आपको कौन से ब्रशेस मिनिमम आपके पास होने ही चाहिए अगर आप मेकअप कर रहे हो तो। ठीक है, कुछ ब्रशेस जो होते हैं वो बहुत एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम आपके पास कौन से ब्रशेस होने चाहिए इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि अगर आप ब्रशेस परचेज करना चाहते हो तो आपको कौन से ब्रशेस लेने चाहिए, सबसे सस्ते रेट में, सबसे कम प्राइस में आप कौन सा एक ब्रश ले सकते हो जो आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करे, सालों साल आपके काम आए, आपका मेकअप अच्छा करने में हेल्प करे और बहुत ही अफोर्डेबल हो। ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वाली वीडियो। मेक श्योर करना आप एंड तक देखो ये पूरा वीडियो, मेक श्योर करना आप ये पूरा वीडियो देखो, एंड तक देखो और ध्यान से देखो। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं इस टाइप की कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ, कोई प्रोफेशनल रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे जो सब्सक्राइब बटन के बगल में है तो आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी एंड आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। मैं न्यू वीडियोस एवरी थर्सडे एंड संडे 6 PM पे अपलोड करती हूँ, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो दिस इज़ समथिंग जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ जब मैं उन्हें ब्रशेस के बारे में समझाती हूँ एंड ये बहुत ही ईजी कर देता है ब्रशेस को समझना। नाउ जितने भी प्रोडक्ट्स हम मेकअप में अप्लाई करते हैं, ठीक है, चाहे हम फाउंडेशन अप्लाई करें, पाउडर अप्लाई करें, कॉम्पैक्ट अप्लाई करें, लूज पाउडर अप्लाई करें, लिपस्टिक अप्लाई करें, लाइनर अप्लाई करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें, हाईलाइट, कॉन्टोर, ये सारी चीज़ें, जितनी भी हम चीज़ें मेकअप में अप्लाई करते हैं वो तीन फॉर्म्स की होती हैं, या फिर वो क्रीम होंगी, या फिर वो लिक्विड होंगी, या फिर वो पाउडर होंगी। ठीक है, या तो क्रीम, या तो लिक्विड, या तो पाउडर। और जो हमारे ब्रशेस होते हैं वो इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास ब्रशेस हैं, ठीक है, जितने भी हम ब्रशेस देखते हैं, ब्रशेस को समझने के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ब्रश किस चीज़ के लिए पिक करना है। नाउ मैं आपको दो टाइप के ब्रशेस दिखाती हूँ। ठीक है, एक ये वाला टाइप होता है हमारे पास ब्रशेस का और एक ये वाला टाइप होता है हमारे पास ब्रशेस का। ना अगर आप एक बिगिनर भी हो ना तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा कि इन दोनों ब्रशेस में क्या डिफरेंस है। अगर हम इस ब्रश की बात करें तो ये देखो कितना फ्लफ़ी ब्रश है। ठीक है, एकदम फ्लफ़ी है, एकदम लाइट वेट ब्रश है। ठीक है, एकदम हल्का है और इसके जो भी हेयर्स हैं, ठीक है, हेयर्स को हम ब्रिसल्स बोलते हैं, जितने भी ब्रिसल्स हैं एकदम अलग अलग हैं, फ्लफ़ी हैं। और जो इसके ब्रिसल्स जो होते हैं ना वो नेचुरल हेयर से बने होते हैं, गोट हेयर से। ठीक है, इस टाइप के हेयर्स से जो हमारे फ्लफ़ी ब्रश होते हैं, नेचुरल हेयर्स वाले ब्रश होते हैं, वो इस टाइप से होते हैं, फ्लफ़ी से, अलग अलग से। ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास ब्रश है ना, ये कितने टाइटली पैक्ड है, इसके सारे जो हेयर्स हैं, सारे जो ब्रिसल्स हैं वो एकदम पास में एकदम एक साथ हैं। ठीक है, ऑल्सो जो इसके हेयर्स हैं वो सिंथेटिक हैं, वो नेचुरल हेयर्स नहीं है, वो सिंथेटिक हैं। ठीक है, तो एक टाइप ये है हमारे ब्रशेस का और एक टाइप ये है हमारे ब्रशेस का। ठीक है, अब जितने भी ब्रशेस हम यूज़ करते हैं वो या तो इस टाइप के होते हैं सिंथेटिक हेयर्स के, इस टाइप से टाइटली पैक्ड होते हैं, एक साथ होते हैं, और कुछ ब्रशेस इस टाइप के होते हैं एकदम फ्लफ़ी फ्लफ़ी से। ठीक है, एकदम अलग अलग से नेचुरल हेयर्स का, ये एक ब्रश है और ये एक ब्रश है। ठीक है, तो ये इसी टाइप का ब्रश है, इसके भी जो हेयर्स हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड हैं और सिंथेटिक हैं, लेकिन एक ब्रश मेरे पास ये वाला है और एक ब्रश मेरे पास ये वाला है। ठीक है, तो इसके भी हेयर्स एकदम अलग अलग से हैं, फ्लफ़ी हैं और नेचुरल हेयर्स के हैं। जितने भी आप मेकअप ब्रशेस देखोगे या तो वो ऐसे होंगे टाइटली पैक्ड सिंथेटिक, या फिर वो ऐसे होंगे फ्लफ़ी नेचुरल हेयर्स वाले। ठीक है, जितने भी ब्रशेस आप देखोगे या तो वो ऐसे होंगे या तो ऐसे होंगे, या तो सिंथेटिक होंगे या तो नेचुरल होंगे, या तो टाइटली पैक्ड होंगे या तो फ्लफ़ी होंगे। तो ये वाले जो ब्रशेस होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, जो ऐसे दिखते हैं, ये सारे ब्रशेस हम
क्रीम प्रोडक्ट्स या फिर लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि ये वाला ब्रश जो है ये हम फाउंडेशन के लिए यूज़ करते हैं। फाउंडेशन जो है वो क्रीमी हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो क्रीम या लिक्विड फाउंडेशन के लिए हम इस टाइप का ब्रश यूज़ करते हैं जो सिंथेटिक होता है, ठीक है। जो सिंथेटिक होते हैं ब्रशेस, जिनके ब्रिसल्स जो सिंथेटिक होते हैं, वो लिक्विड प्रोडक्ट और पाउडर प्रोडक्ट को अच्छे से पिक कर सकते हैं, इसीलिए हम लिक्विड और पाउडर के लिए सिंथेटिक यूज़ करते हैं। नाउ जो ये वाला ब्रश है ये फ्लफ़ी है, ये फाउंडेशन उठा ही नहीं पाएगा, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे फाउंडेशन लगाने के लिए। लेकिन जो ये है ये अच्छे से फाउंडेशन को पिक कर सकता है। ये वाला जो ब्रश है ये हम कंसीलर के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोनों ब्रशेस एकदम सेम है, बस डिफरेंस साइज़ का है। फाउंडेशन बड़े एरिया पे लगता है इसलिए इसका एरिया बड़ा है, कंसीलर छोटे एरिया पे लगता है इसलिए इसका एरिया छोटा है। ये भी टाइटली पैक्ड है, ये भी सिंथेटिक हेयर्स का है, और ये हम कंसीलर्स के लिए यूज़ करते हैं। कंसीलर या तो हमारे लिक्विड होंगे या तो क्रीम होंगे, ठीक है। तो लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए और क्रीम प्रोडक्ट्स के लिए हम सिंथेटिक ब्रशेस यूज़ करते हैं, और पाउडर प्रोडक्ट्स के लिए जैसे कि हमारा ब्लशर हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारा ब्लशर हो गया हम इससे लगा सकते हैं, हमारा पाउडर हो गया हम इससे लगा सकते हैं। इस टाइप के हम फ्लफ़ी ब्रशेस यूज़ करते हैं। जैसे कि ये वाला ब्रश है, ये एक एंगल्ड ब्रश है जिसको जो कि फ्लफ़ी है, तो ये हम कॉन्टोर पाउडर लगाने के लिए यूज़ करेंगे, एक एंगल्ड कॉन्टोर ब्रश, ठीक है। तो इस टाइप के फ्लफ़ी ब्रशेस हम पाउडर्स के लिए यूज़ करते हैं, पाउडर प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। ब्लशर हमारा पाउडर प्रोडक्ट होता है, और इस टाइप के टाइटली पैक्ड ब्रशेस हम यूज़ करते हैं और क्रीम या लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए ना। आपके आई शेडोज़ हो गए, उसमें भी ऐसे डिविजन्स होते हैं, हमेशा ध्यान में रखना। अगर आप कोई लिक्विड प्रोडक्ट लगाते हो या क्रीम प्रोडक्ट लगाते हो तो वो हमेशा सिंथेटिक ब्रश से लगाओगे, टाइटली पैक्ड हेयर्स वाले ब्रशेस से लगाओगे, एंड जो भी एंड कभी भी अगर आप कोई पाउडर प्रोडक्ट लगाओगे तो हमेशा वो फ्लफ़ी ब्रश से लगाओगे। जैसे कि लिपस्टिक, लिपस्टिक हमारी क्रीम या लिक्विड होती है, तो उसके लिए जो ब्रश होता है, लिपस्टिक ब्रश जो होता है, वो हमेशा सिंथेटिक और टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो तो बहुत ही ईजी है आपके लिए एप्लीकेशन। हाँ, एक और टाइप का ब्रश आता है जिसको हम बोलते हैं डुओ फाइबर ब्रश। ये जो है हमारा ये डुओ फाइबर ब्रश है, ठीक है। ये डुओ का मतलब होता है टू, और फाइबर का मतलब होता है हेयर्स। तो इसमें दोनों टाइप के हेयर्स होते हैं। यू कैन सी हियर, ये जो नीचे वाले हैं ये नेचुरल हेयर्स हैं, और ये जो ऊपर वाले हैं ये सिंथेटिक हैं, ठीक है। तो इस टाइप के डुओ फाइबर ब्रश से हम दोनों काम कर सकते हैं। हम लिक्विड प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हैं और पाउडर प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हैं, बस हम क्रीम प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते, ठीक है। लिक्विड भी लगा सकते हैं, पाउडर भी लगा सकते हैं, मतलब ये एक मल्टी फंक्शनल ब्रश होता है। जैसे कि आप इससे लिक्विड फाउंडेशन लगा सकते हो, पाउडर लगा सकते हो, ब्लशर लगा सकते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रशेस के काम को अकेला कवर कर सकता है ना। ये हो गए एक बेसिक नॉलेज ब्रशेस के बारे में ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस चीज़ के एप्लीकेशन के लिए कौन सा ब्रश यूज़ होता है, ठीक है। ये समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ध्यान से देखिएगा कि किस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के लिए क्या यूज़ होगा ना। जो भी मैं ब्रशेस आपको बताऊँगी वो मैं एक ऑर्डर में ही बताऊँगी, जैसे कि हम प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि कौन से प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के लिए कौन सा ब्रश लगता है। सबसे पहले जो हमारा मेकअप होता है वो हम CTM से स्टार्ट करते हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइज। और क्लेंजिंग आप कॉटन से करते हो, टोनिंग आप कॉटन से लगा सकते हो या स्प्रे कर सकते हो फेस पे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो मॉइस्चराइजिंग का होता है, ठीक है। मॉइस्चराइजर भी आप अपने फिंगर्स से लगा सकते हो, नॉट अ बिग डील, बट स्टिल अगर एक बात करें हम कि अगर आपको मॉइस्चराइजर ब्रश से लगाना है, आप कौन सा ब्रश यूज़ करोगे। मैंने जो भी आपको नॉलेज बताई है उसके अकॉर्डिंग जस्ट सोचो कि अगर आपको मॉइस्चराइजर लगाना है तो आप सिंथेटिक यूज़ करोगे या नेचुरल। ऑफकोर्स सिंथेटिक ब्रशेस, ठीक है, क्योंकि सिंथेटिक ब्रशेस जो होते हैं वो क्रीम प्रोडक्ट्स के एप्लीकेशन के लिए होते हैं। तो अगर आपको मॉइस्चराइजर लगाना है कोई सिंथेटिक ब्रश यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप फिंगर से ही लगाओ। अगर आप हाइजीन मेंटेन करना चाहते हो तो आप एक सिंथेटिक ब्रश यूज़ कर सकते हो। अब सिंथेटिक ब्रश में कौन सा ब्रश यूज़ कर सकते हो, आप एक डुओ फाइबर ब्रश यूज़ कर सकते हो अपना मॉइस्चराइजर लगाने के लिए। ये वाला जो ब्रश है ये बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल होता है। ये मेरे पास एक बड़ा साइज़ है, आप इससे छोटा साइज़ भी खरीद सकते हो, एंड इस ब्रश की हेल्प से अपना मॉइस्चराइजर लगा सकते हो या अपने क्लाइंट को मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, ठीक है। स्पेशली क्लाइंट्स के लिए जब आप हाइजीन मेंटेन करना चाहते हो तो आप इस टाइप का डुओ फाइबर ब्रश ले सकते हो। ऊपर वाले जो ब्रिसल्स हैं वो सिंथेटिक हैं, तो इसकी हेल्प से आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, ठीक है। या फिर आप मॉइस्चराइजर अपने फिंगर से भी लगा सकते हो। फिंगर से एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि जो फिंगर्स की हीट होती है उससे आपका मॉइस्चराइजर अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा ना। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर।
ना प्राइमर भी आपका एक क्रीम प्रोडक्ट होता है या फिर एक जेल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो प्राइमर भी आप इसी ब्रश से लगा सकते हो, आप इस टाइप का कोई ब्रश ले सकते हो, इसी ब्रश से लगा सकते हो, या फिर ठीक है, या फिर आप किसी भी सिंथेटिक ब्रश से प्राइमर लगा सकते हो, बहुत ही किसी भी सिंथेटिक ब्रश से आप प्राइमर लगा सकते हो। ना मॉइस्चराइजर और प्राइमर, ये दो चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रश से लगाओ, इन दोनों चीज़ों को आप फिंगर से आराम से लगा सकते हो। मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है कि आप डुओ फाइबर ब्रश से लगा सकते हो, बट इट इज़ नॉट वेरी कंपल्सरी, फिंगर शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। अगर आप फिंगर से नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ब्रश पे स्विच करो, ठीक है। तो CTM हमारा हो गया, प्राइमर हमारा हो गया, अभी तक आई डोंट थिंक हमें ब्रश की ज़रूरत पड़ी है। नौ प्राइमर के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है कलर करेक्शन का। एंड जो कलर करेक्शन होता है वो हमारा होता है लिक्विड प्रोडक्ट या फिर क्रीम प्रोडक्ट, जिसके लिए हम कंसीलर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंसीलर जो एप्लीकेशन होता है या कलर करेक्शन का जो एप्लीकेशन होता है वो एक स्मॉल एरिया पे होता है, हम एक स्मॉल ब्रश यूज़ करते हैं। स्मॉल ब्रशेज यूज़ कर सकते हो कंसीलर एप्लीकेशन के लिए या हाईलाइट के लिए, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा ब्रश है तो मैं ये यूज़ करूँगी कंसीलर एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि मुझे एक छोटे एरिया पे कलर करेक्टर लगाना है, मुझे पूरे फेस पे कलर करेक्टर को स्प्रेड नहीं करना है, मुझे एक पर्टिकुलर एरिया पे कलर करेक्टर को स्प्रेड करना है, तो मैं एक छोटा कंसीलर ब्रश यूज़ करूँगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जो कंसीलर ब्रश यूज़ होगा उसके जो हेयर्स होंगे वो सिंथेटिक होंगे, क्योंकि कंसीलर ब्रश जो है वो एक लिक्विड प्रोडक्ट होगा या फिर एक क्रीम प्रोडक्ट होगा, ओके। तो सबसे पहला जो ब्रश हमें चाहिए, एक्चुअली चाहिए मेकअप के लिए, वो होता है एक स्मॉल कंसीलर ब्रश, जिसके ब्रिसल्स जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, एंड लिक्विड प्रोडक्ट एंड क्रीम प्रोडक्ट लगाने के लिए बहुत ही ईजी होता है। करेक्शन करने के बाद जो नेक्स्ट ब्रश चाहिए हमें, ना कलर करेक्शन करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम करते हैं वो होता है फाउंडेशन एप्लीकेशन, ठीक है। ना फाउंडेशन इज़ ऑल्सो अ लिक्विड प्रोडक्ट या फिर एक क्रीम प्रोडक्ट होगा, फाउंडेशन आपका या तो लिक्विड होगा या तो क्रीम होगा, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है आपको एक सिंथेटिक ब्रश चाहिए, लेकिन फाउंडेशन एप्लीकेशन जो होता है वो पूरे फेस पे होता है, तो इट्स वेरी कॉमन कि आपको इसके लिए एक ऐसा ब्रश चाहिए जो कि बड़ा हो, जिसका सरफेस एरिया बड़ा हो, ताकि पूरे फेस को वो जल्दी से कवर कर ले। इसलिए हम यूज़ करते हैं एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश, यस, ये सेम होता है कंसीलर ब्रश की तरह, बस थोड़ा सा बड़ा होता है, ताकि पूरे फेस पे लगाना है तो उस एरिया को जल्दी से कवर कर ले। सिंथेटिक हेयर्स होते हैं इसके और टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए हम एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश यूज़ करते हैं, ये आप सभी स्किन टाइप्स पे यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली फॉर ड्राई एंड नॉर्मल स्किन फ्लैट फाउंडेशन ब्रश यूज़ करते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है देन यू कैन यूज़ अ कबूकी ब्रश, ठीक है, कबूकी ब्रश आप यूज़ कर सकते हो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो। इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप सेम आप ये वाला फ्लैट फाउंडेशन ब्रश फॉर ऑल स्किन टाइप्स यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू। Now, as I told you before, जो हमारा डुओ फाइबर ब्रश होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए, बट ओनली फॉर लिक्विड फाउंडेशन। अगर आप लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो तो आप एक डुओ फाइबर ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप क्रीम और लिक्विड में से कुछ अप्लाई कर रहे हो तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। इसलिए हम फ्लैट फाउंडेशन ब्रश यूज़ करते हैं फाउंडेशन के एप्लीकेशन के लिए। ना फाउंडेशन के बाद समटाइम्स हम अपने अंडर आइज पे लिक्विड हाइलाइटिंग करते हैं, एंड उसके लिए हम कंसीलर यूज़ करते हैं। ना कंसीलर यूज़ करते हैं तो ब्रश भी सेम ही होगा जो हमने कलर करेक्शन के लिए यूज़ किया था, सेम कंसीलर ब्रश, ठीक है। तो सेम कंसीलर जो कलर करेक्शन के लिए आपने कंसीलर ब्रश यूज़ किया था, उसी टाइप का आपको ब्रश यूज़ करना है लिक्विड हाइलाइटिंग के लिए, क्योंकि उस टाइम भी हम कंसीलर ही यूज़ कर रहे हैं और एक छोटे एरिया पे हमें कंसीलर लगाना है, तो स्मॉल छोटा एक कंसीलर ब्रश चाहिए। ना इफ़ यू वांट, अगर आपके पास एक बड़ी किट है, आपके पास बहुत सारे ब्रशेज हैं, तो आप कलर करेक्शन के लिए अलग ब्रश और लिक्विड हाइलाइटिंग के लिए अलग ब्रश यूज़ कर सकते हो। बट इफ़ यू आर अ बिगनर एंड यू डोंट हैव मैनी ब्रशेज, आप सेम ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बस उसको थोड़ा सा क्लीन कर लेना कॉटन पे। यहाँ पे आपको लिक्विड हाइलाइटिंग के लिए भी कंसीलर ब्रश चाहिए। एंड सिमिलरली हम लिक्विड कॉन्टोरिंग भी करते हैं अपने चीक बोन्स के नीचे, एंड वो भी हम कंसीलर से करते हैं, तो उसके लिए भी अगर आप लिक्विड हाईलाइट या लिक्विड कॉन्टोर अप्लाई कर रहे हो, या क्रीम हाईलाइट या क्रीम कॉन्टोर अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उसके लिए भी कंसीलर ब्रश ही चाहिए। ना अगर आप चाहो तो आप तीन चार कंसीलर ब्रश रख सकते हो, एंड अगर आपके पास सिर्फ एक ब्रश भी है तो आप उससे भी काम कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखें अभी तक हमें कौन कौन से ब्रशेज़ की ज़रूरत पड़ी है, तो हमें सिर्फ एक कंसीलर ब्रश, एक फाउंडेशन ब्रश की ज़रूरत पड़ी है, एंड जो डुओ फाइबर ब्रश होता है वो एक मल्टीपर्पज़ ब्रश होता है। अभी तक हमें सिर्फ तीन ब्रशेस लगे हैं, ठीक है। ना लिक्विड हाईलाइटिंग और लिक्विड कॉन्टोरिंग करने के बाद हमें इन सारी चीज़ों को, हमारा जो बेस है वो हो गया है, एंड बेस को हमें पाउडर से सेट करना है, ठीक है।
ना पाउडर को सेट करने के लिए हमें चाहिए होता है एक फ्लफी ब्रश, क्योंकि पाउडर क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो पाउडर है, तो एक फ्लफी नेचुरल हेयर वाला ब्रश चाहिए ना। पूरे फेस पे जब हमें पाउडर लगाना होता है तो उसके लिए हमें एक बड़ा ब्रश चाहिए होता है, इस टाइप से एक फ्लफी ब्रश, ठीक है। एंड अंडर आइज अगर आपको पाउडर लगाना है तो उसके लिए आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ कर सकते हो, चाहे वो वेज शेप का हो या फिर राउंड शेप का हो, आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो। फाउंडेशन लगाने के बाद एंड कंसीलिंग करने के बाद भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो अपने मेकअप को और ज़्यादा नेचुरल लुक देने के लिए। पर्सनली मुझे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उससे आपकी सारी चीज़ें प्लेस पे सेट हो जाती हैं एंड काफ़ी नेचुरल लगता है, जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होता है वो निकल जाता है। तो आपके पास एक ब्यूटी ब्लेंडर तो डेफिनेटली होना चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ कैसे करते हैं, सही तरीका ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने का क्या है, तो आप ये शॉर्ट वीडियो यहाँ पर देख सकते हो। हमारा जो बेस मेकअप है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जिसमें हमने कंसीलिंग की, फाउंडेशन लगाया एंड हमने पाउडर से सेट ना। इसके अलावा हम करते हैं पाउडर कॉन्टोर, ठीक है, जो जो क्रीम कॉन्टोर हमने किया है उसके ऊपर हम पाउडर कॉन्टोर लगा सकते हैं या फिर हम सिर्फ पाउडर कॉन्टोर लगा सकते हैं ना। यहाँ पे अगर पाउडर प्रोडक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे हमें एक नेचुरल फ्लफी ब्रश चाहिए एंड क्योंकि हम कॉन्टोरिंग कर रहे हैं, हम फेस के एंगल्स में कॉन्टोर कर रहे हैं, तो हमें इस टाइप का एक एंगल्ड ब्रश चाहिए जिसमें थोड़ा सा एंगल हो, ठीक है, एक फ्लफी एंगल्ड कॉन्टोर ब्रश हमें चाहिए कॉन्टोर पाउडर के एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। सो ये एंगल्ड ब्रश है तो ये आराम से आपके फेस के एंगल्स में बैठ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप एक एंगुलर वे में अपनी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, तो इस टाइप का एक एंगल्ड कॉन्टोर ब्रश चाहिए होता है आपको। नेक्स्ट जो थिंग हम अप्लाई करते हैं अपने फेस में वो होता है ब्लशर। ब्लशर भी जो होता है वो पाउडर फॉर्म का होता है, लेकिन ब्लशर को अप्लाई करने के लिए हमें इस टाइप का राउंड ब्रश चाहिए होता है, क्योंकि ब्लशर जो हम अप्लाई करते हैं वो स्माइल करते हुए एप्पल्स ऑफ द चीक्स पे अप्लाई करते हैं। एंड इस टाइप का अगर एक राउंड ब्रश होता है ना, जो एकदम राउंड होता है इस टाइप से गोल, तो इससे एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको ब्लशर अप्लाई करने के लिए एक राउंड ब्रश चाहिए जो कि फ्लफी हो और नेचुरल हेयर्स का हो, क्योंकि ब्लशर जो होता है वो एक पाउडर प्रोडक्ट होता है ना। अगर आपके पास ये डुओ फाइबर ब्रश है तो आप इससे भी ब्लशर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज़ ब्रश है एंड इससे आप लिक्विड प्रोडक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हो, पाउडर प्रोडक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो सिर्फ इससे आप ब्लशर अप्लाई कर सकते हो। ये वाला जो ब्रश है इसे आप अपना फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो, आप पूरे फेस पे अपना पाउडर अप्लाई कर सकते हो इस वाले ब्रश से, और उससे आप ब्लशर भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो आती है हमारे फेस मेकअप में वो होता है फेस को हाईलाइट करना, जो ये शाइनी वाला हाईलाइट होता है, इसके लिए हम एक पर्टिकुलर ब्रश यूज़ करते हैं जिसको हम फैन ब्रश बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप का ब्रश होता है फैन ब्रश, एकदम पॉइंटेड होता है, क्योंकि जो हमें हाईलाइट अप्लाई करना होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे अप्लाई करना होता है, जैसे कि नोज पे, ठीक है, ब्रिज ऑफ द नोज़, ये हाईलाइट, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इस टाइप से फैन ब्रश होता है, नेचुरल है, फ्लफी है, ठीक है, क्योंकि पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई करना है तो इस टाइप से नेचुरल फ्लफी है, ठीक है ना। आपको खुद ये समझना है कि अगर आप पाउडर प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हो तो आपके ब्रशेस कैसे होंगे, उसके हेयर्स कैसे होंगे, एंड जब आप कोई लिक्विड या क्रीम प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको वो कैसे अप्लाई करना है। ब्यूटी ब्लेंडर्स जो होते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हो दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट्स अप्लाई करने के लिए। बेसिकली अगर हम फेस मेकअप की बात करें तो फेस मेकअप के हमें वन कंसीलर ब्रश, टू फाउंडेशन ब्रश, थ्री पाउडर ब्रश, कॉन्टोर ब्रश, ब्लशर ब्रश और एक फैन ब्रश, ठीक है, 1, 2, 3। हमें सिर्फ 6 ब्रशेस की ज़रूरत होती है अपना पूरा फेस मेकअप करने के लिए। और अगर आपके पास एक डुओ फाइबर ब्रश है और आप एक लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो तो आप ये वाला ब्रश हटा सकते हो, ये वाला ब्रश हटा सकते हो एंड ये वाला ब्रश हटा सकते हो, एंड सिर्फ इन चार एंड उन तीनों की जगह आप अकेले एक डुओ फाइबर ब्रश यूज़ कर सकते हो। तो आप इन तीनों की जगह अकेला एक डुओ फाइबर ब्रश यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस डुओ फाइबर ब्रश से आप फाउंडेशन एप्लीकेशन कर सकते हो, एक लिक्विड फाउंडेशन लगा सकते हो, अपना पाउडर लगा सकते हो और ब्लशर भी लगा सकते हो। तो इन अगर आपको ये तीनों ब्रशेज नहीं लेने हैं और सिर्फ एक ब्रश में इन्वेस्ट करना है तो आप एक ये वाला डुओ फाइबर ब्रश ले सकते हो। नीड 3 मोर ब्रशेज फॉर फेस मेकअप, जो कि है एक कंसीलर ब्रश, एक हाईलाइट ब्रश
और एक एंगल्ड कॉन्टोर ब्रश। तो सिर्फ चार ब्रशेस से आपका जो पूरा फेस मेकअप है वो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा आराम से। अगर आप इसको और कम करना चाहते हो तो आप ये कंसीलर ब्रश भी हटा सकते हो एंड फिंगर्स की हेल्प से अपना कंसीलर अप्लाई करके एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप अपना कंसीलर सेट कर सकते हो, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर जो है हम फाउंडेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, कंसीलर के लिए भी यूज़ करते हैं, टाइप की चीज़ों के लिए आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो। तो मिनिमम आपके पास ये चार चीज़ें तो होनी ही चाहिए अगर आप एक फेस मेकअप कर रहे हो। अगर आपके पास एक ब्यूटी ब्लेंडर है या फिर एक स्पंज है, एक डुओ फाइबर ब्रश है, एक फैन ब्रश है और एक कॉन्टोर ब्रश है, तो आपका जो फेस मेकअप है वो आराम से हो सकता है। एंड अगर हम प्रोफेशनली बात करें तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये सारे ब्रशेस ज़रूर रखो अपने पास। अगर आप एक फुल किट खरीदते हो या मेकअप का एक ब्रश सेट खरीदते हो तो उसमें आपको ये सारे ब्रशेस आराम से एक ही जगह पे मिल जाते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट फेस ब्रशेस, लेट्स मूव ऑन टू आई मेकअप ब्रशेस।